नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार कल यानी कि 25 जून को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि केजरीवाल सरकार दिल्ली की आम जनता से किए हुए वादों को कितना पूरा कर पाती है। आज हम अपने खास कार्यक्रम वंदे मातरम में इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश आनंद जी, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता चैतन्य सिंह जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और है हमारे साथ स्टूडियो में अर्थशास्त्री प्रोफेसर एस के दत्ता साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल के रेसिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी। सभी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। तो आम आदमी पार्टी की सरकार को विधानसभा चुनाव में जनता का भारी समर्थन मिला, लिहाजा दिल्ली की आम जनता को केजरीवाल सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसा होगा केजरीवाल सरकार का पहला बजट। क्या महंगाई की मार से दिल्ली की जनता को मिलेगी राहत? कितना अलग होगा इस बार का बजट? 25 जून को पेश होगा बजट। दिल्ली में केजरीवाल सरकार अपना पहला आम बजट पेश करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 25 जून को सदन में बजट पेश करेंगे। इससे पहले शीला दीक्षित सरकार ने मार्च 2013 में बजट पेश किया था, जहां एक तरफ महंगाई की मार झेल रही दिल्ली की आम जनता केजरीवाल के आम बजट से काफी उम्मीदें हैं, वहीं वित्तीय वर्ष 2015 और 16 के बजट के लिए सरकार ने करीब एक दर्जन विधानसभाओं में जाकर आम लोगों की राय जानी है। सरकार का दावा है कि जनता की राय के मुताबिक ही बजट तैयार किया गया है। ये बजट दिल्ली को लेकर नई सरकार की नीतियों की झलक भी पेश करेगा, यानी इस लिहाज से ये देखना वाकई अहम होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का ये बजट पिछली सरकारों से किस तरह अलग है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को विधानसभा चुनाव में जनता का भारी समर्थन मिला था, लिहाजा उसके बजट के समाज के हर वर्ग के लिए बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। और इसी के साथ ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि केजरीवाल सरकार का ये पहला बजट दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो अलग तरह से राजनीति करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार का ये दिल्ली का पहला आम बजट होगा और जनता की ढेर सारी उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी की सरकार से, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बजट पेश होगा इनमें इन उम्मीदों को पूरा करने की झलक भी साफ दिखाई दी जा सकती है। तो कैसा रहेगा बजट, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आम आदमी पार्टी के मुकेश आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, वैसे तो बजट आ ही जाएगा, सबको पता भी लग जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी इस बार क्या कुछ नया रहने वाला है दिल्ली के बजट पे। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताई और रिपोर्ट में भी बताया श्रेया जी, कि ये जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। तो जनता की जो आकांक्षाएं हैं कि जनता के मुद्दे को उस पर फोकस किया जाए। अभी तक जो बजट का एक अपना प्रारूप होता था, जिसमें जो एस्टैब्लिश पैटर्न है कि बड़े लोगों को राहत दी गई और गरीब जो तबके के लोग हैं या साधारण जो मिडिल क्लास के भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको उनके बारे में सोचा नहीं जाता था। तो आम आदमी पार्टी की जो इस सरकार की जो बजट होगी दिल्ली की, उनमें इनकी झलक आपको पूर्ण रूप से भी मिलेगी। उसकी झांकियां पहले भी मिल चुकी हैं, जैसे पानी और बिजली पे काफ़ी जनता को राहत मिली है, भ्रष्टाचार पे काफ़ी कड़ाई हुई है। तो इन्हीं मुद्दों पे जो बाकी हम अपने मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस किए हैं, जो वादे किए हैं जनता से, जैसे स्कूली शिक्षा के ऊपर के स्तर में ले जाने का, स्कूल कॉलेजेस को आगे बढ़ाने का, और CCTV महिला की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने सुना आज भी अखबारों में है कि होमगार्ड्स की नियुक्ति हुई है, करीब 100 होमगार्ड्स की नियुक्ति हुई है, वो आगे भी बढ़ेगी। तो ये सब जो काम किए गए हैं उनको एक तो बजट में कॉन्क्रीटाइज किया गया, क्योंकि पिछली बार
किया जाएगा ऐसी उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार ये क्रिटिसिज्म हुआ कि एक शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने किया और परमानेंटली नहीं कर पाए। तो इन सब चीज़ों को एक अमली जामा पहनाकर एक व्यापक तरीके से बजट में लाया जाएगा। और बजट की सारी चीज़ें तो बिल्कुल गोपनीय होती हैं, जो सिर्फ वित्त मंत्री को ही मालूम होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो उम्मीद जनता ने बांधी है और जिस उम्मीद के आधार पर उन्होंने इतना जबरदस्त जनसमर्थन जो ऐतिहासिक है दिया है, पूरी तरह से खरी उतरेगी और हर तबका अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करेगा। गरीबी से भी राहत मिलेगी, भ्रष्टाचार से भी मिलेगी और प्रतिदिन के जीवन में भी उनको इससे लाभ मिलेगा। जी चैतन्य सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। चैतन्य जी, आपने अभी सुना मुकेश आनंद जी को, उन्होंने कहा कि हर एक तबके के लिए कुछ ना कुछ होने वाला है इस बजट में। ये जब बजट सामने आएगा, सीधे तौर पर तुलना होगी शीला दीक्षित के बजट से? अभी इनकी बातें बड़ी हैं और दर्शन छोटे हैं। अभी जब इन्होंने वोट ऑन अकाउंट दिया था, कई 2000 करोड़ रुपए का प्लान बजट में से कटौती हुई है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे कि अनऑथोराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करेंगे, इनका डेवलपमेंट करेंगे। इन्होंने कहा था कि फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी घर बनाएंगे। जल बोर्ड में कटौती हुई है, कई 100 हजारों करोड़ रुपए की कटौतियां हुई हैं। तो अब तक जितना भी इनके वायदे थे उस पर खरे तो नहीं उतरे हैं जी। तो अब जो बात है वो कल ही पता चल पाएगी कि क्या बजट देते हैं क्या नहीं देते। बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, काम कुछ नहीं होता है। सरकार के एक साल भी नहीं हुए, पहला बजट है, करीब छह महीने पूरे हो रहे हैं और जो वादा इन्होंने शुरू में किया था, जो बड़े वादे थे बिजली और पानी के, वो तो कम से कम पूरे हुए हैं। तो जनता की तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है? आप चूंकि कहीं है नहीं विधानसभा में, तो ये विपक्ष का केवल आरोप जैसा लग रहा है। आरोप जैसा नहीं लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि वादे पूरे हुए हैं बिजली और पानी के। जरा दिल्ली में बिजली की कितनी कटौती हो रही है पिछले 2 महीनों से, जरा आप जाके जनता से ही पूछें। चार चार पांच पांच घंटे के लिए दिल्ली के इलाकों में कटौती हो रही है और ऐसा दिल्ली का कोई इलाका नहीं है जहां कटौती ना हो। पानी के बिल बढ़ बढ़ के आ रहे हैं, तो कहां से वादा पूरा हुआ है, क्या हुआ है, वो तो आपको जनता बताएगी। और हमारे साथ लगातार प्रोफेसर एस के दत्ता साहब भी जुड़े हुए हैं। दत्ता साहब, अगर देखा जाए तो दिल्ली के विकास कामों का जो पहिया है वो पूरी तरह से थम चुका है। इस बजट में क्या प्रावधान हम माने कि दिल्ली के जो विकास है उसको रफ्तार मिलेगी? मैं समझता हूं कि दिल्ली की विकास सबसे महत्वपूर्ण है और दिल्ली के विकास के लिए सारे पार्टियों का और सारे संस्थाओं का समर्थन की आवश्यकता होती है। आम आदमी पार्टी के सरकार को इस चीज़ की ध्यान होनी चाहिए कि दिल्ली एक स्पेशल राज्य का दर्जा है, दिल्ली का पूर्ण राज्य नहीं है। तो इसलिए मेरा सबसे पहले तो गुजारिश यही होगा कि LG साहब के साथ अपना जो बिगड़ा हुआ समीकरण है उसको सटीक बनाएं और ठीक बनाएं, क्योंकि उसके बिना, उनके सहयोग के बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता है डेवलपमेंट का। दूसरा ये है कि दिल्ली के जो तीन जो ढांचे हैं, MCD है, केंद्रीय सरकार है और दिल्ली सरकार है, इसके बीच में भी संतुलन बना के रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये संतुलन अगर नहीं होगा तो पूरे तरह से विकास नहीं हो सकता है। MCD के साथ संतुलन इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि बेसिक लेवल पे, जो लोकल लेवल पे जो कामकाज है और कामकाज की जो डेवलपमेंट जो लगभग एक तरह से ठप पड़ गया है, जैसे सड़कें हुए, नाली हुए, ये सब चीजों के लिए एक बेहतरीन साठगांठ बना के रखना राजनीति से ऊपर उठ के बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे दिल्ली के किसी भी इलाके पे चले जाइए, नाली का जो हालात है बहुत ही खस्ता है, रोड के हालात बहुत खस्ता है। मैं कांग्रेस के जो वक्ता हैं उनसे मैं एक तरह से सहमत हूँ। मैं ग्रीन पार्क और साकेत पे रहता हूँ और हर दिन बिजली की वहाँ पे लोड शेडिंग होती है। कल भी मेरे घर पे ग्रीन पार्क जैसे इलाके में लगभग 8 घंटा के लिए बिजली गया है और ये एक दिन की बात नहीं है, हर दिन की बात होती है। जब इतने मतलब कि पॉश इलाके में अगर इस तरह का परिस्थिति अगर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पिछड़े इलाके हैं, जो अनऑथराइज्ड इलाके हैं, वहां पे किस तरह का सिचुएशन होगा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक होता है कि राजनीतिक खींचातानी अपने जगह पे होती है, पर राजनीतिक खींचातानी के चलते अगर डेवलपमेंट अगर ठप पड़ जाए या फिर डेवलपमेंट के तरफ अगर ध्यान ना हो तो वो घातक होता है। दूसरी बात ये भी है कि जो सब्सिडीज जो दी जा रही है, जैसे बिजली की सब्सिडी दी गई है, वो स्वागतपूर्ण है वो चीज,
पानी की भी सब्सिडी दी जा रही है, वो भी स्वागतपूर्ण है, पर उसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा ये भी जानना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। हर दिन हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ मुकेश आनंद जी भी हैं, उन्हीं से इसका जवाब लेना चाहेंगे। यहाँ सब्सिडीज की बात की जा रही है, कहा यह भी जा रहा है कि बिजली और पानी को लेकर जो केजरीवाल सरकार ने सब्सिडीज दी उसके चक्कर में कहीं ना कहीं जो पेंशन योजनाएं चलाई जाती थी उनको बंद करना पड़ा। देखिए यही तो बड़े कष्ट की बात है, पूरे आप केंद्रीय स्तर पे भी देखेंगे और बाकी राज्य सरकारों को देखेंगे तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतनी बिजली इतनी सब्सिडी दी गई है और इतना माफ किया गया है कर्जा, किसी ने ये नहीं पूछा कि इसका कर्ज आम जनता पे पड़ता है। जहां तक हुई राजनीति की बात, दत्ता साहब मेरे ख्याल से एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के रूप में यहां बैठे हुए हैं और मुझे उनसे उम्मीद है कि उसी तरह से व्याख्या करेंगे। राजनीति दोनों तरफ से होती है, अगर एक तरफ से राजनीति होगी और दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। मेरे ख्याल से एलजी को इस तरह की राजनीति से दूर रहना चाहिए और उनको एक न्यूट्रल अंपायर की तरह काम करना चाहिए। भारतीय राजनीति का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिनको इंडिपेंडेंट के रूप में रहना चाहिए वो राजनीतिक फायदे के लिए किसी न किसी तरह जुड़ के और आम जनता को नुकसान पहुंचा। मैं आपसे यहाँ पे सहमत नहीं हूँ, एलजी चूंकि ये जो दिल्ली है पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और दूसरे राज्यों से थोड़ा अलग है, जो संवैधानिक, आप चूंकि वकील भी हैं तो आप इस बात को बेहतर जानते हो कि संवैधानिक जो अधिकार दिए हुए हैं एलजी को, एलजी उसी अधिकारों के तहत काम करता है और मुख्यमंत्री को जो अधिकार दिए गए हैं उनको भी उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। और अब तक जो भी टकराव हुए हैं एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में उसे हमेशा जो है मुख्यमंत्री की तरफ से ही जो है वो गलतियां आई है सामने, जो कि अपर लेवल पर ही मामला गया। लेकिन हम आज इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा हम कर रहे हैं बजट पर। जैसा कि दत्ता साहब ने बताया कि बजट में जो हम सब्सिडी देते हैं लोगों को उसका भार जो है जनता पे नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। एक चीज हम और कहेंगे, दत्ता साहब से भी जानना चाहेंगे, आपसे भी और कांग्रेस के भी लोगों से जानना चाहेंगे कि बजट में जो एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है बजट साइज, कितना बड़ा बजट है हमारा, फंड कहां से आ रहा है, कहां पे जा रहा है, हम कितना एलोकेट किसको कर रहे हैं। पिछली सरकारों में जो हुआ है उसी धर्रे पे अगर हम चलते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि उतना ज्यादा राज्य का जो खासकर दिल्ली का बजट जो है इस पर इतनी चर्चा पहले कभी नहीं हुई। इनफैक्ट जो हाइलाइट्स होती है हाइलाइट्स पे ही चर्चा होती है। दत्ता साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। दत्ता साहब क्या लगता है आपको कि फंड्स को लेकर के दिल्ली सरकार खासतौर पर केजरीवाल सरकार को कुछ कमी है, क्योंकि एमसीडी का अलग बजट है, दिल्ली का अलग बजट है, केंद्र सरकार दिल्ली के लिए अलग योजना लाती है, तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा करेंगे तो फंड का कहीं ना कहीं से लोचा हो जाता है। केंद्रीय सरकार से बजट की जो अनुदान है वो केंद्रीय सरकार से आएगी और उसके साथ साथ ये डिमार्केशन जो संविधान ने करके रखा है एमसीडी का, दिल्ली सरकार का और केंद्रीय सरकार का, क्योंकि विशेष राज्य है दिल्ली, तो उसका भी अनदेखी करना उचित नहीं होता है। इसलिए बाईपास उचित नहीं, मुझे लग रहा है कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि संवैधानिक ढांचा कर नहीं सकते आप। अगर बिल्कुल आप अगर करेंगे भी तो फिर तकरार होगा और तकरार जब होता है तो कई सारे वे में आर्म ट्विस्टिंग की जाती है और उसी के चलते डेवलपमेंट ठप पड़ता है। आज अगर दिल्ली में डेवलपमेंट पड़ा है इसलिए इस तकरार से रस्ते के चलते डेवलपमेंट ठप पड़ गया है, इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। चैतन्य सिंह जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी चैतन्य जी, मैं ये कह रहा हूँ कि तकरार इसलिए होती है क्योंकि ये आम आदमी पार्टी वाले तकरार करना चाहते हैं। दिल्ली में पहले बीजेपी की सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस की रही, केंद्र में बीजेपी की रही, दिल्ली में कांग्रेस की रही, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई टकरार हो। 98 टू 2003 दिल्ली विटनेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट एनी सिटी, नॉट समथिंग दैट नॉट नो सिटी ऑफ इंडिया हैज सीन। तब उस वक्त बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तब तो कोई टकरार नहीं हुई। तो ये देखिए, जो टकरार की बात आप नहीं कह रहे थे इसमें तो जो तारीफ करनी चाहिए तो वो एनडीए सरकार की करनी चाहिए कि उन्होंने जो सहयोग देना चाहिए था केंद्र सरकार को वो सरकार वाजपेयी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने दिया था। उसके बाद से केंद्र में जो सरकार आई और जो दिल्ली में सरकार रही है दोनों कांग्रेस की सरकार रही है तो उन दोनों का तालमेल चलता रहा, लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल अलग है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं है, ना ही बीजेपी की सरकार, ये तीसरे आज जो आम आदमी पार्टी की सरकार है। और इसमें भी कहीं ना कहीं दोषी जो है, आप एक तरीके से आप ये नहीं कहें जो केवल आम आदमी पार्टी केवल जो है बखेड़ा खड़ा करती है, इनफैक्ट इसमें रोल जो है दिल्ली सरकार का जितना है उतना ही एलजी का भी है और उतना केंद्र सरकार का भी है। जी मुकेश आनंद जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। दत्ता जी ने एक्चुअली छोटी सी बात ले लेते हैं, स्वीकार किया है कि आर्म ट्विस्टिंग होती है। असल में जो पार्टी का एजेंडा है वो यही है कि इनमें तकरार इसलिए नहीं होती कि इनमें आपस में संधि हो जाती है कि हम भी खाएं और तुम भी खाएं,
जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमने सब्सिडी दी है, हमारा मेन स्ट्रेंथ ये है कि हम पैसे को वेस्ट नहीं होने देंगे। जो भ्रष्टाचार में, ट्रांसफर पोस्टिंग में, इन चीज़ों में पैसे खाए जाते थे, जनता के पैसे थे और पूरी तरह से नहीं आते थे, 2G घोटालों में आपने देखा, ये प्रक्रिया में अगर पैसा जाता था वो सरकारी खजाने से तो नहीं जाता था, नहीं वो जनता के पॉकेट से, वो करप्शन का वो अलग मामला। आप ज्यादा बिडिंग होती थी, जितने पैसे में होनी चाहिए उससे ज्यादा की बिडिंग जब होती है या जितने पैसे सरकार को आने चाहिए वो नहीं आती, तो वो जनता का ही लॉस है। जो टैक्स आना चाहिए अगर आप पैसे लेकर उसको छोड़ देंगे तो वो जनता के पैसा का लॉस है। जो आपका ऑक्शन होगा, आप अपने लोगों से ज्यादा दाम पे बिजली के मीटर खरीदेंगे तो वो जनता का लॉस है। तो केंद्र को इस तरह की राजनीति, अगर वो आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए पनिश कर रही है दिल्ली की जनता को, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। थोड़े दिनों के लिए कष्ट होगा लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए, आप ऐसे कर नहीं सकते। ये तो बिल्कुल सरासर बेईमानी है कि आपने स्ट्रेंथ है नहीं मान लीजिए ऐसा कर भी रही है। मुकेश जी, आपने एक पहले बात बताई थी कि सारी गलती केजरीवाल सरकार की है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाईकोर्ट ने भी बोला है कि अगर आप फैसले लेते हैं कि सिर्फ तीन चीजें, इसको बहुत हाइप कर दिया है कि दिल्ली एक चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए कुछ नहीं कर सकती, तीन चीजें प्रशासन, जमीन और जो बाकी शहरी डेवलपमेंट है उसको छोड़कर बाकी चीजें दिल्ली सरकार के पास है। और यहाँ पे हाइप आम आदमी पार्टी ने किया है सर, सहमति और जिसकी सलाह के बिना, जिसके थ्रू बिना फाइल पास कराए हुए, बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, जो हाईकोर्ट ने भी इस चीज को स्वीकार किया है। तो ये सारा बखेड़ा कहीं ना कहीं एलजी ने इसको शुरू किया है और उसमें 2020 नहीं नहीं लोकपाल के मुद्दे पे आपने भी शुरू किया था, लोकपाल के मुद्दे पे आपने भी शुरू किया था। हाँ, इस बार हम इस पर आएंगे, बातचीत करेंगे पूरी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बजट की बात करें तो बीजेपी ने भले ही विधानसभा में संख्या बल उनका कम हो लेकिन तैयारी विरोध करने की उन्होंने भी पूरी की हुई है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय, स्वागत है विजेंद्र जी आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपको क्या कितनी उम्मीदें हैं बजट से और कैसा रहने वाला है बजट? देखिए, हम तो उम्मीद ही करेंगे कि सरकार अच्छा बजट पेश करे, विकासोन्मुख बजट हो, लोगों की समस्याएं दूर करने वाला बजट हो और सरकार उस बजट में कोई राजनीतिक प्रपंच करने के बजाय जो दिल्ली की जनता से वायदे किए उनको पूरा करने के लिए उस मंशा से बजट लेकर के आए, ये हमारा मानना है। आपको क्या लगता है, जैसा सपना आप बजट को लेकर देख रहे हैं क्या वैसा बजट आ पाएगा? सरकार के जो कामकाज करने के तरीके हैं उसमें तो हम बहुत आशावान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि हमारी अपनी असेसमेंट ईश्वर गलत हो और बजट अच्छा हो। अगर हम पिछले दो दिनों पर बजट सेशन पर नजर डालें तो काफी हंगामा आपने किया है, आपके तीन विधायक हैं वो सरसर पर भारी पड़े हैं, तो क्या माना जाए कि आने वाले जो दिन होंगे उसमें भी इसी तरह का हंगामा देखने के लिए मिलेगा विधानसभा में? नहीं, निश्चित रूप से हम सदन की कार्यवाही में पूरी तरह भाग लेना चाहते हैं, हम पूरी तैयारी से सदन में आते हैं, हम पूरा एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में यहाँ अपनी भूमिका के लिए उपस्थित हैं, लेकिन सरकार का रवैया जिस तरह से हमारे साथ है भेदभावपूर्ण और तानाशाहपूर्ण और अलोकतांत्रिक, गैर कानूनी, असंवैधानिक, उसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। बाकी निश्चित रूप से हम बिल्कुल बजट सुनना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देना चाहते हैं, सरकार को के सामने प्रश्न भी खड़े करना चाहते हैं, सरकार उसके अनुसार उसको बदले ये भी हम सरकार से अपेक्षा करेंगे। जनता के हित में पक्ष और विपक्ष मिलकर के अगर एक पॉजिटिविटी के साथ बात करें अच्छी बात है। यहाँ दत्ता साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दत्ता साहब, अगर हम दिल्ली के विकास की बात करें तो यहाँ दिल्ली के विकास के लिए जिस पैसे की जरूरत है, जो राजस्व आता है वो बेहद कम आता है, लेकिन अगर खर्चों की बात करें तो वो उससे कई गुना ज्यादा है, तो एक जो ये डिसबैलेंस की स्थिति बन रही है इसको सरकार बनाने में कैसे कामयाब हो पाएगी? वही मैं कह रहा था कि दिल्ली की जो बजटरी जो हालात है वो, या फिर डेफिसिट जो है दिल्ली प्रदेश की, वो खतरनाक रूप से चरम सीमा पे जा चुकी है। आप अगर इससे ऊपर अगर डेफिसिट होता है तो वो जो रेड लाइन है, जो आर्थिक जगत में हम लोग रेड लाइन कहते हैं, वो रेड लाइन को पार ऑलरेडी कर चुका है और खतरनाक रूप से पार कर जाएगा और उससे आर्थिक संतुलन दिल्ली का बहुत बुरी तरह से बिगड़ेगा। दो इंपॉर्टेंट विषय यहाँ पे उठाने की बहुत आवश्यकता है और मैं आपके चैनल को सुझाव भी दूंगा कि दूसरा विषय जो है उस पर एक विस्तार से एक कार्यक्रम हो उस विषय पे। आप अक्सर जब भी आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं या फिर कहीं पर भी खाने के लिए जब आप जाते हैं, आप देखे होंगे कि वैट आता है, सर्विस टैक्स आता है और सर्विस चार्जेस आता है। वैट का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स।
वैल्यू एडेड टैक्स अगर है तो उसको होलिस्टिक वे में देखने की आवश्यकता है, सारी चीजें उसके परिपक्ष में आ जाता है, जो आप वैल्यू दे रहे हैं उसकी आप सर्विस ले रहे हैं। वैट अगर आप लागू अगर कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी होता है, दूसरे तरह का टैक्स लगाना। सर्विस टैक्स आप लगा रहे हैं जो प्रदेश सरकार के पास उसका अनुदान जाता है, और सर्विस चार्जेस भी जो बिल्कुल इल्लीगल है। तो मैं आपके माध्यम से सलाह देना चाहूंगा कि इस पर गंभीरतापूर्ण दिल्ली की सरकार सोचे। सलाह दे रहे हमारे माध्यम से ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने वेबसाइट पे भी सलाह देने के लिए कहा, आप क्या आपने सरकार को उसकी वेबसाइट पे जाकर वहां पे मैंने लिखा है, पर आज तक दुर्भाग्यपूर्ण मुझे कोई जवाब नहीं मिला है इन सब चीजों का, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं पे एक मतलब सरकार का एक कमाने का एक साधन है, और उस साधन को लेके कोई भी प्रश्न जवाब देने की वो उचित कदम नहीं समझते कोई भी सरकार। दूसरी बात यहाँ पे आते हैं कि जो सब्सिडीज जो बिजली और पानी को लेके जो दिया जा रहा है, उस सब्सिडीज को लेके मेरा सवाल ये है कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास हर साल उसका बोझ पड़ेगा दिल्ली के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी और आपके पानी का जो सब्सिडी है। अब ये सब्सिडी का जो बोझ है, इस बोझ का अनुदान कौन करेगा? क्या केंद्रीय सरकार करेगी या फिर आम जनता के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा? ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर साल अगर इस तरह से बोझ अगर बढ़ता है सब्सिडी के चलते, और उसके चलते आप अगर इनडायरेक्ट या फिर इनविजिबल टैक्सेस आप अगर वो कर देते हैं, इम्पोज कर देते हैं जनता के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पे जो एक आर्थिक हाहाकार जो पूरे दिल्ली में लगा हुआ है, और जिसके चलते महंगाई जो चरम सीमा पे गया है, वो महंगाई पे कहीं ना कहीं पे असर पड़ेगा इस पूरी चीज का, क्योंकि आप बजट को संतुलित बनाना किसी भी सरकार का कदम होना चाहिए। बजटरी डेफिसिट अगर लगातार अगर बढ़ रहा है और उस पर आप अगर और बोझ अगर आप बढ़ा रहे हो, तो उसका भरपाई आप किस हिसाब से करते हो और कैसे करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जानना। तो इसलिए मैं समझता हूं कि 5 साल ये सरकार अब और रहेगी, और हर साल अगर मैं 2000 करोड़ अगर मैं जोड़ता रहूं तो लगभग 10000 करोड़ के आसपास है पूरे 5 साल में। तो ये 10000 करोड़ का जो अनुदान है, 10000 करोड़ का जो पैसा है, और उसके साथ इंटरेस्ट अगर मैं लगा दूं, क्योंकि पैसा के साथ हमेशा इंटरेस्ट भी आता है, तो वो जो पूरा ओवरऑल जो डेफिसिट है वो डेफिसिट कौन देगा, ये जानना बहुत जरूरी। बिल्कुल, ये तो जवाब देंगे कल मनीष सिसोदिया जो है वो देंगे सदन में इसका जवाब। लेकिन एक चीज और भी है, जो पिछले 8 महीने के कार्यकाल में ही जो कलेक्शन है टैक्स का, वो कलेक्शन भी बढ़ा है, इस बात को भी जोड़ना चाहिए और चर्चा में रखना चाहिए, क्योंकि जो बजट में एक्स्ट्रा जो पैसा दिया जा रहा है सब्सिडी के रूप में, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन से, क्योंकि जो राज्य सरकार के पास जो रेवेन्यू का मॉडल होता है वो टैक्स कलेक्शन उसमें एक मेजर होता है, तो टैक्स कलेक्शन में भी वृद्धि हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई फार्मूला, हालांकि अभी पूरी बातें निकल के नहीं आई है, कल जब बजट पेश करेंगे मनीष सिसोदिया तो मेरे ख्याल से इस बात पे जरूर, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं जो केवल हम और आप चर्चा कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया को भी इस बात की पूरी जानकारी है, और सब्सिडी के सवाल पहले भी उठ चुके हैं, इसलिए उसका जवाब भी मेरे ख्याल से इस बजट में ही मिल पाएगा। लेकिन एक चीज हम दोनों अपने मेहमानों से या तीनों मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब सरकार पहला बजट पेश करती है तो उसे कहते हैं जो टफ बजट होता है, यानी उसका कुछ बोझ जो है वो जनता के ऊपर में डाला जाता है, क्योंकि आमतौर पे पहले साल में 4-5 साल के बाद चुनाव होना है, चुनाव में सरकार को जानना नहीं होता है, तो सरकार जनता तुरंत रिएक्ट नहीं करेगी तो उसका कोई नुकसान सरकार पर नहीं होता है, तो उस लिहाज से पहले दूसरे बजट को जो है थोड़ा टफ बजट माना जाता है। लेकिन इस बार जो खबरें निकल के आ रही हैं सरकार की ओर से, इसे भी ऐसा देख करके लग रहा है जो बिल्कुल चुनाव के लिहाज से तैयार किया गया, जैसे झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए जो है वो अलग से वो एक्ट बनाने जा रही है, उसको नियमितीकरण करने के लिए करने जा रही है। इसके अलावा वैट पे भी जो आपने बात करी, वैट पे भी संशोधन पेश किया जाएगा, उसकी बारे में भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा सबसे जो एक मेजर चीज है, प्राइवेट स्कूल पे नकेल कसने की बात मनीष सिसोदिया काफी पहले से कर रहे हैं, और इस बजट में शायद उसको लेकर के भी कोई विधेयक वो अलग से लाने की तैयारी में है, शायद वो लाए। तो ये सारी चीजें जितनी चीजें हैं वो ऐसा लग रहा है कि चुनाव की तैयारी के हिसाब से किया जा रहा है, क्योंकि ये सब ये भी कह सकते हैं कि चुनाव में हमने जो वादे किए थे सरकार ने, उस वादे को पूरा करने के लिहाज से पहले साल से ही जो है वो प्रयास कर रही है। लेकिन बजट को देख करके ये नहीं लगता है कि दिल्ली के विकास को लेकर के या दिल्ली के लिए कोई विकास का मॉडल पेश कर रही है, या इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे कहां पे पुल बनना है,
कहाँ पे सड़कें बननी है, कहाँ पे कौन सी परियोजनाएं शुरू होनी, इसका कोई खाका अभी तक, हालांकि जब बजट पेश हो जाएगा तब हम निश्चित तौर पर कहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर मुकेश जी ने उठाया, इसका जवाब हम सभी से लेना चाहेंगे, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि हर एक तबके के लिए कुछ करने की कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन एक जो विकास का मॉडल होना चाहिए वो फिलहाल अभी उसकी कमी नजर आ रही है। और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें खासी उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी के इस बजट से। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ हेलो, मैं विमलेंदु शेखर बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। मैं एक्चुअली मैं कहना चाहूंगा कि कल वो बजट पेश करेंगे तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत अच्छा बजट पेश होगा। आम आदमी पार्टी जो बजट पेश करने जा रही है वो आम आदमी या आम जनता के हित में होगा, और जैसा अरविंद केजरीवाल चुनाव के पहले जितने भी उन्होंने वादे किए थे, तो मैं आशा नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो अपने वादों पे खड़े उतरेंगे और दिल्ली की तमाम जनता का वो ख्याल रखते हुए बजट पेश करेंगे, और जो बिजली पानी और जो मुख्य सुविधाओं पे जितने एक्स्ट्रा टैक्सेस लगना है तो उनको कम करेंगे, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। तो बेहिसाब उम्मीदें हैं यहाँ दर्शकों की, और कहीं ना कहीं हम अपने दर्शकों को भी यही बोलना चाहेंगे कि वो इसी तरह से हमें फीडबैक देते रहे। साथ ही साथ जो नंबर हम टेलीविजन स्क्रीन पर हमारी फ्लैश हो रही हैं उन नंबर्स पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है। और इसी के अलावा इस कॉलर के आने से पहले मुकेश जी ने एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर छेड़ा था जिसका जवाब हम लेना चाहेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे मुकेश आनंद जी से। जी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि पहला बजट अमूमन बहुत कड़ा होता है, बहुत तकलीफदायी होता है जनता के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जैसा कि आम आदमी पार्टी की पहले से नहीं, इनफैक्ट वो जरूरी भी होता है, सरकार को कुछ कड़े कदम भी उठाने पर हमेशा अगर चुनाव के लिहाज से बजट तैयार करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, कहां ले जा रहे हैं इकोनॉमी को। तो जैसा कि आम मोदी जी की बजट से ये छलका भी कि काफी उन्होंने काफी टैक्सेस भी बढ़ाए, सर्विस टैक्स भी बढ़ा दिया, तो लेकिन आम आदमी पार्टी का ये ट्रैक रहा है कि वो डिफरेंटली करना चाहती है। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, जब तक जब जब इकोनॉमिक एनालिसिस होती है, नानी पालकी वाला करते थे और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने किया, मनमोहन सिंह जी भी करते थे, कि ऑनेस्ट टैक्स का जो कलेक्शन है भारत में अभी भी बहुत कम है, और जो पूरी आम आदमी पार्टी की जो इच्छा है कि ये जो ऑनेस्ट टैक्स कलेक्शन 1 or 2% है, 5% मैक्सिमम होगा जहां बहुत अच्छे कलेक्शन है, उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक आप कॉफर को बढ़ाएंगे नहीं उस एरिया को, और जो बिजनेसमैन है उनको फैसिलिटीज देके, आप देखेंगे अभी दिल्ली के जो बिजनेसमैन है नोएडा में, कई टीवी के सारे अच्छी अच्छी कंपनीज दिल्ली से बाहर चले गए हैं। अभी दत्ता साहब ने बोला कि टैक्स इतना ज्यादा बढ़ गया है, और ये हमारे मैनिफेस्टो में भी है कि हम फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि दिल्ली में अगर फैसिलिटेट कर जाए तो संभावनाएं इतनी है कि टैक्स कलेक्शन अपने आप बढ़ जाएगा, लोग काम करें और सरकार को ऑनेस्टली टैक्स दें। लेकिन जो चांदनी चौक के व्यापारी आपका विरोध कर रहे हैं, वहां जब आपने टैक्स कलेक्शन के लिए वहां छापे रेड हुए तो उन लोगों ने धमकी भी दी है कि वो हरियाणा चले जाएंगे। नहीं, काफी बड़ा रिवेन्यू आता है वहां से, आप नहीं, बहुत बड़ा रिवेन्यू आता है। इसके बाद उनसे बात की गई और काफी अब माहौल पहले से बेहतर है, आपने बताया अभी टैक्स कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो जो बेसिक आइडिया ये है कि इस तरह की चीजों को कोर्सिव मेजर ना लिया जाए और लोग वॉलेंटरली टैक्स दें जिससे कि टैक्स कॉफर बढ़े और उसको फैसिलिटेट करें। आप रोड सड़कों की और देखें बाकी सारे काम जितने हैं वो बहुत तेजी से चल रहे हैं, जितने भी अच्छी अच्छी जगह हैं, पुल बन रहे हैं, आप कहीं भी जाएं हर जगह पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो रही है, और ये जो रास्ता है ये आगे बिल्कुल तेजी से बढ़ेगा, इसका रोड मैप कल बजट के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल, और मेरे ख्याल से हमेशा के लिए ही फ्रेंडली ही रहेगा। बिल्कुल, अभी हम ये नहीं कह सकते कि बजट में ये नहीं है वो नहीं है, क्योंकि बजट सामने नहीं आया है, आकलन है, कैसा होना चाहिए ये हम दत्ता साहब से जानना चाहेंगे, कैसा आपको क्या लगता है कैसा होना चाहिए पहला बजट? मैं समझता हूं कि अगर सही में अगर इकोनॉमिक बजट अगर सरकार चाहती है और अगर आर्थिक दृष्टिकोण से अगर बजट चाहती है तो मेरा सलाह रहेगा कि ये टाइट बजट हो, क्योंकि टाइट बजट अगर होगा तभी आप जाके आगे जाके चीजों को संतुलित कर पाएंगे। पॉपुलिस्ट बजट अगर आप करेंगे तो आगे इतना बोझ बढ़ा देंगे दिल्ली के भंडार के ऊपर कि कोई भी सरकार जब आगे आएगी उसके लिए बहुत बहुत खतरनाक होगा दिल्ली को संभालना। दूसरी बात यह है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी आप किस किस सेक्टर में आप उसको एलोकेट करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अगर बिजली पे आप अगर एलोकेट करते हैं तो वो फायदामंद होगा, आप अगर स्टेट हाईवेज के डेवलपमेंट के लिए आप अगर एलोकेट करते हैं तो वो फायदामंद होगा,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आप अगर एलोकेशन बढ़ाते हैं तो वह फायदेमंद होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अगर दिल्ली में बढ़ेगी तो नेचुरल है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा उसके चलते। और जब कोई बड़ा सा चीजों का जब बड़े पैमाने पर जब उसका डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज जोड़ते हैं। तो काफी सारी पेचीदगियां हैं वो इनके हाथ में, आधा कभी इनके पास है कभी केंद्र के पास है। ये तो जमीन केंद्र के पास है, पर जैसे जैसे आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि लगभग आपके 500-600 स्कूल खोलने की योजनाएं हैं, उसके साथ साथ कई सारे कॉलेजेस खोलने की योजनाएं हैं। तो इसीलिए मेरा अपेक्षा है और मेरा मानना है कि राजनीतिक संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, बिल्कुल साथ आप अगर बनाएंगे तब जाके ये सारी चीजें पूरा हो पाएगा। केवल आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली को बेहतरीन बनाना, केंद्रीय सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है दिल्ली को बेहतरीन बनाना। तो इसलिए दोनों के बीच में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, और जहां टैक्सेस की जहां बात आती है, टैक्स का जो प्रावधान है वो दो तरह का होता है, विजिबल आइटम्स इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स में आप अगर इनडायरेक्टली आप अगर और ज्यादा अगर आप वो लगा देते हैं, ड्यूटीज अगर लगा देते हैं, तो वो जनता के लिए अल्टीमेटली जाके खतरनाक होता है। बिल्कुल, इसके साथ साथ जो सब्सिडीज का जो बोझ है, सब्सिडीज का बोझ इतना ज्यादा हो गया है, उसके लिए भी एक रास्ता ढूंढना बहुत आवश्यक है। आम आदमी पार्टी की सरकार अकेला वो रास्ता नहीं ढूंढ सकती है। नहीं, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता ना दत्ता साहब, दोनों चीज सब्सिडी नहीं दें, नहीं नहीं मैं दोनों चीज टैक्स ज्यादा बढ़ाओगे तो महंगाई ही बढ़ेगी, महंगाई से बचने के लिए सब्सिडी देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्सिडी दो। बिल्कुल, चैतन्य जी बहुत ऐसे शांत बैठे हैं, उनका भी रुख ले लेते हैं। पहले दत्ता साहब क्लियर कर लें। मैं जो कहने वाला था कि सब्सिडीज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जितने सब्सिडीज अभी दिल्ली को दिया जा रहा है वो अपने आप में काफी हद तक परिपक्व है, इससे ऊपर सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पहले ही इतना ज्यादा सब्सिडी का मार है दिल्ली के ऊपर, इतना ज्यादा बोझ है, उसको आप कैसे क्लियर करते हैं, उसके लिए एक होलिस्टिक सोच अपनाना बहुत जरूरी है। और वो तभी बन पाएगा जब आपका तालमेल एलजी के साथ अच्छा होगा, आपका तालमेल केंद्रीय सरकार के साथ अच्छा होगा। चैतन्य जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, जो उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो बात करी थी पूरा करना तो उनका बनता, नहीं तो जनता फिर 5 साल के बाद उन्हें सबक सिखाएगी इस बात का। लेकिन मेरा सवाल है कि कौन सी ऐसी चीज है जो शीला दीक्षित 15 साल में नहीं कर पाई कांग्रेस की सरकार, केजरीवाल सरकार को करना चाहिए, ये सजेशन क्या देना चाहेंगे? अगर एक चीज आपसे पूछा जाए कि आप केजरीवाल सरकार को दीजिए कल का जो बजट पेश करेंगे वो मनीष सिसोदिया, तो कौन सी एक ऐसी चीज जो आप देखना चाहेंगे उस बजट में? मैं वही दो चीज मैं देखना चाहूंगा, मैं वही बता रहा हूं आपको, आपके सवाल का ही मैं जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी वायदे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। दिल्ली में जनता पे टैक्स जो वायदे किए वो तो सब देखना चाहेगी, जनता भी देखना चाहेगी, और वो बजट भी इस तरीके से तैयार कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि आपको, क्योंकि उनका घोषणा पत्र आपने तैयार नहीं किया था, वो खुद अपना घोषणा पत्र तैयार किए हैं और बजट भी खुद तैयार कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से कर रहे होंगे क्योंकि बजट अभी आया नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप उनकी घोषणा के अलावा, जो घोषणा पत्र में उन्होंने दिया, उसके अलावा क्या देखना चाहते हैं? उसके अलावा मैं ये देखना चाहता हूँ कि दिल्ली का विकास हो। अदरवाइज 15 साल में, देखिए 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है, 15 साल में हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जो पहले उन पे काम हुआ हो, वेदर ऑफ हो गई हो, तो जो भी डेवलपमेंट है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवेज हो, रोड्स हो, जल बोर्ड को जरूरी है जल बोर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि पानी की सप्लाई जितना भी पानी की प्रॉब्लम है वो सारी सप्लाई से आती है, और ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जी, तो फिलहाल दिल्ली का जो विकास है वो डेफिसिट और सब्सिडी के बीच में फंसा हुआ है, इसको विकास की पटरी पर कैसे लेकर आना है ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है आम आदमी पार्टी के लिए। यहाँ मुकेश आनंद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, एक भारी भरकम उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी के बजट से आम जनता को, कहीं आप इसका प्रेशर तो महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ी उम्मीदें और आम आदमी पार्टी एक तरफ? नहीं, प्रेशर तो नहीं है, लेकिन एक जिम्मेवारी का भाव तो है कि इतना भारी बहुमत मिला है तो हमें उसी तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और जैसे हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी, तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो मूल समस्याएं हैं, जैसे बहुत से जगहों पे पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, और जो सामंजस्य केंद्र सरकार के साथ बैठे, अच्छे से तादाद में से चले, सब्सिडी जो बिजली और पानी पे दी जा रही है उसको ऑफसेट करे, जो ऑनेस्ट टैक्स के बारे में मैंने बताया, और स्कूलों के बारे में और कॉलेजेस के बारे में जो उन्होंने कहा है,
महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जो कहा है, ये देखना। और हम लोग पार्टी की भी यही उम्मीद है कि इन चीजों पे सरकार पूरी तरह खरी उतरे। और अगर सुरक्षा की बात तो करती है, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात जो वादा किया था उन्होंने, वो अभी तक बिल्कुल अभी तक बहुत जगहों पे ये काम चल रहा है। और आज से ये होमगार्ड बहुत सारे बसों में तैनात हो गए। धैर्य रखिए, धीरे धीरे काम शुरू हुआ है। हो सकता है उतनी तेजी से ना हुआ जितने लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इन चीजों पर काम चल रहा है। और मेरे ख्याल से बजट के बाद इनकी जो स्पीड है वो और भी तेजी से बढ़ेगी। हाँ, सीसीटीवी कैमरास की बात हो रही है, इसके अलावा जो दूसरी योजनाएं हैं वो भी अब तेजी से पूरा करने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर का, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगी कि जो अब सरकार तेजी से इन योजनाओं को पूरा करने के लिए आगे आ रही है, फिर चाहे वो सीसीटीवी की बात हो या शौचालय बनाने की, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अलंगा डाल रहे हैं लोग, तो कहूंगा कि सरकार जो कहे वो करे। अगर लिफाफेबाजी करने हैं, सिर्फ बजट की प्रावधान रखने हैं, सिर्फ एक आंकड़ों की बाजीगरी करनी है या फिर कागज़ काले करने हैं, उससे तो बात नहीं बनेगी। वास्तविकता के लिए धन भी उपलब्ध होना चाहिए। विजेंद्र जी, एक जो बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है वो ये है कि हमेशा से ही दिल्ली सरकार का ये कहना होता है कि केंद्र सरकार से उन्हें फंड नहीं मिल रहा। आखिरकार फंड को लेकर ये जो मतभेद होते हैं दोनों के बीच में, जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है, इसकी वजह क्या है और कब खत्म होगा? ये राजनीतिक प्रपंच है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कमी है। वो ये बात, इस तरह की बात करना इस बात को दर्शाता है। दत्ता साहब इस मामले पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दत्ता जी। जी मैं यही कह रहा था कि आम आदमी पार्टी के जो घोषणा पत्र है, चुनाव का घोषणा पत्र, उसका चुनाव के दौरान मैं कई सारे चैनलों में काफी ज्यादा एनालिसिस मैंने किया था, और मैं समझता हूं कि दो तिहाई जो घोषणा पत्र में चीजें हैं वो केंद्रीय सरकार के इजाजत के बिना या फिर सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता है। मसलन कॉलेजेस हो, स्कूल हो, वाईफाई हो, तमाम चीजें ऐसे जिसपे केंद्रीय सरकार की सहयोग की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं कि राजनीतिक संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है केंद्रीय सरकार के साथ। दत्ता साहब आपके पास आएंगे और जवाब भी लेंगे चैतन्य जी से कि आखिरकार क्यों नहीं फ्यूचर प्लानिंग की गई बीआरटी की वजह से, जो कि लोग संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं, बजट आने को है और बजट को लेकर राजनीतिक गलियारों से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आपको सुनवाते हैं। महिलाओं के लिए भी अच्छा करेंगे क्या, कर ही रहे हैं ऑलरेडी। आपको आज की खबर पता चली होगी कि 1,00,000 जो है कमांडो जो है तैनात करने की तैयारी हो चुकी है डीटीसी के अंदर, वो महिलाओं के सेफ्टी के लिए। और ये सरकार तो प्रतिबद्ध है महिलाओं के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जो इस बार का बजट पेश करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री साहब, वो अपने आप में बहुत बेहतरीन होगा और ऐतिहासिक होगा। अभी तो ये जिस तरह के हालात हैं, समझता हूँ दिल्ली के हक में है, दिल्ली की जनता के भले में बजट आने वाला नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि दिल्ली से जो वादे किए हैं केजरीवाल साहब ने, आम आदमी सरकार ने, उनको लागू करें, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए काम करें। अब जैसा बजट आएगा बजट को भी देखेंगे, क्योंकि इनके कर्म तो ठीक लग नहीं रहे हैं। किसी भी नियम कायदा कानून परंपरा का, ये विधानसभा का चौथा सत्र है, ये इस विधानसभा को मोहल्ला सभा की तरह चला रहे हैं। तो जनता की ढेरों उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी से बजट को लेकर, और कहीं ना कहीं झलक भी उन वादों को पूरा करने की नजर आ सकती है इस बजट में। लेकिन जनता क्या कुछ कहना चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार से, वो भी सुन लेते हैं। हमारे जो दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ दिल्ली क्षेत्र में जो रोड हैं वो ठीक से हो और हमारे दिल्ली क्षेत्र का विकास अधिक से अधिक। बजट आ रहा है तो सबसे मेन तो इनको सड़कों पे और सफाई पे जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर जो ये है, बाकी ये अनऑथराइज कॉलोनी है और ये गंदगी जो रहती है, सफाई के ऊपर जो सबसे ज़्यादा ध्यान दे। दिल्ली सरकार से तो इतना ही उम्मीद होगा कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो काफ़ी अच्छा है, पर ये जो स्वच्छ भारत अभियान हो रहा है, ये सरकार जो है, दिल्ली सरकार जो है, ये सेंट्रल के साथ एक साथ काम करे और स्वच्छ भारत जो अभियान हो रहा है इसका, इसके विषय में थोड़ा देखे, जो सबको फायदा हो, सबको प्रॉफिट हो हर चीज़ का। बहुत कुछ करते हैं, नई सरकार आई है तो यहाँ लोगों की मदद करेगी, गरीबों का विकास करेगी, जो परेशान लोग हैं उनको खुशहाली पैदा करेगी।
तो फिलहाल हमने आज बातचीत की है कि कैसा रहने वाला है आम आदमी पार्टी का बजट। सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है, हर कुछ चाहता है क्योंकि हर किसी ने एक उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरह से इस उम्मीदों पर खरी उतरती है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, और ये भी कल साफ हो जाएगा कि किस तरह से रहने वाला है आम आदमी पार्टी का पहला बजट। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, और हम शुक्रिया भी करना चाहेंगे अपने तमाम मेहमानों का जो कि हमारे साथ जुड़े। फिलहाल आपको छोड़ जाते हैं पब्लिक पंच के साथ। संसद सत्र चल रहा था, एक सांसद संसद के मध्य सत्र में अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस सदन में बैठे आधे नेता डरपोक और भ्रष्टाचारी हैं। एक नेता गुस्से में बोला, या तो ये महोदय अपनी स्टेटमेंट वापस ले या इन्हें बचे हुए सत्र से बर्खास्त कर बाहर भेज दिया जाए। थोड़ी देर के लिए सदन में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। बाद में सन्नाटे को तोड़ते हुए सांसद बोला, ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेते हुए कहता हूँ कि सदन में बैठे आधे नेता न तो डरपोक है और न ही भ्रष्टाचारी है। उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली।